एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फीडिंग शेड्यूल। शुरुआत करते हैं, जब भी ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएगा आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ लिखनी है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नथिंग अदर देन कोलेस्ट्रम एंड ब्रेस्ट मिल्क इज़ रिकमेंडेड बाय WHO अप टू 6 months ऑफ एज विथ कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट कंपल्सरी फूड अप टू 2 years ऑफ एज। ठीक है, तो 6 months तक तो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली आपको कोलेस्ट्रम देना है विद ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद कंटिन्यू करना है ब्रेस्ट मिल्क अप टू 2 years तक विद कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। नाउ रिकमेंडेशन ऑफ WHO एंड यूनिसेफ, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ। इन केस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी इट मे बी आफ्टर 4 to 5 hours। इन्फेंट शुड रिसीव कोलेस्ट्रम एंड ब्रेस्ट मिल्क विदाउट एनी एडिशनल फूड और ड्रिंक। ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, नो यूज़ ऑफ बॉटल और पेसीफायर। ठीक है, इन सब कोई भी निप्पल वगैरह एंड ऑल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो 4 चीज़ें आपको लिखनी है। सबसे पहले तो आपने लिख दिया कि हाँ जी, ब्रेस्ट फीडिंग जो एक्सक्लूसिव करानी है आपको अप टू 6 months। उसके बाद आपको बताया कि 2 जो ईयर होता है वहाँ तक हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे विद एसेंशियल कॉम्प्लीमेंट्री फूड। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ WHO, 4 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। सबसे पहले इनिशिएशन कब करनी है ब्रेस्ट फीडिंग की, विद इन फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ। ठीक है, सिजेरियन है तो 4 to 5 hours के बाद है। सेकेंड इज इन्फेंट शुड रिसीव कोलेस्ट्रम एंड ब्रेस्ट मिल्क विदाउट एनी एडिशनल फूड और ड्रिंक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ आप उसके साथ मिला के उसे खिला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली कोलेस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखना है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड होनी चाहिए, नो यूज़ ऑफ बॉटल और पेसीफायर। ठीक है, पेसीफायर्स कोई भी निप्पल एंड ऑल आपको नहीं यूज़ करना है, मदर की निप्पल से उसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। ठीक है, नाउ टाइम शेड्यूल में पहली लाइन आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, डिमांड फीडिंग इज़ एडवाइजेबल शेड्यूल। ओके, डिमांड फीडिंग जब बेबी क्राई करेगा तब उसे देना है। ठीक है, डिमांड फीडिंग इज़ द एडवाइजेबल शेड्यूल। फॉलोइंग कैन शुड बी कंसिडर एज अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड। ये बेसिकली डाटाबेस थोड़े डाटा हमने कलेक्ट किया कि एज 1 feed पर 2 to 3 hours फॉर फर्स्ट 24 hours। ठीक है, फर्स्ट 24 hours, फर्स्ट डे जो होगा बेबी का, उसमें 1 feed पर 2 to 3 hours देनी है आपको एंड 1 feed पर 3 to 4 hours देनी है एट द एंड ऑफ 1 week। ठीक है, 1 week के एंड में। ओके, ड्यूरेशन, इनिशियल फीडिंग 5 to 10 minutes एट ईच ब्रेस्ट। आपको ऐसा नहीं कि एक ही ब्रेस्ट से फीड कराना, नो, उसे दोनों ब्रेस्ट से आपको फीड कराना है। Gradually, timing on each breast should be increased so that baby get both for milk and hind milk. Each breast should be fed alternatively. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मदर ने फर्स्ट टाइम क्या किया, सिर्फ और सिर्फ राइट ब्रेस्ट से फीडिंग करा दी, लेफ्ट ब्रेस्ट से कराई ही नहीं, ऐसा नहीं कराना। ठीक है, उनको लेफ्ट और राइट ब्रेस्ट से इक्वली अमाउंट ऑफ, मतलब इक्वली टाइमिंग देनी है दो, और ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। ओके, क्वांटिटी, एवरेज रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 100 ml टू 150 ml पर kg पर 24 hours। इतनी बेबी को रिक्वायरमेंट है हमारे ब्रेस्ट मिल्क की। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शेड्यूल। कुमार भृत्य का हमारी ये 7th जो पार्ट ए का 7th जो पॉइंट है वो है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ एंड पढ़ते रहिए, अब तो एग्ज़ाम आ ही गए हैं। सो ऑल द बेस्ट।